हेलो दोस्तों, वेलकम टू हेमंत की रसोई। हेमंत की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे सेवई चाउमीन। आपने नूडल्स चाउमीन, मैगी चाउमीन तो बहुत बार खाया होगा, लेकिन सेवई चाउमीन आपने शायद ही ट्राई किया होगा। खाने में ये बिल्कुल ही नूडल्स के जैसे लगता है, तो एक बार इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सेवई चाउमीन बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कप मोटी वाली सेवई ले ली है। बाय वेट ये 75 ग्राम है। अब इसे हमें बॉईल करना है। सेवई को बॉईल करने के लिए हमने यहाँ पर 3 कप पानी ले लिया है। 1 कप सेवई है तो हमने उसके प्रपोर्शन में 3 कप पानी लिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। नमक यहाँ पर आप अच्छे से डालिए ताकि सेवई नमक एब्जॉर्ब कर ले, और ये आप चिंता मत करिएगा, नमक उतना ही लेगी जितने से जरूरत है। और साथ में हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल। अब पानी को हमें यहाँ पर अच्छे से बॉईल करना है। उबलते हुए पानी में हम सेवई को बॉईल करेंगे। पानी में यहाँ पर अच्छे से बॉइलिंग आ गई है। अब इसमें हम सेवई डाल देंगे। एक बार इसे स्टिर कर दीजिए। अब गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई में करके इसे हमें 4 मिनट तक पकाना है। सेवई को बॉईल करते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब ये पक चुकी है, इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे और डायरेक्टली ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि ये अच्छे से कूल हो जाए और इसकी कुकिंग प्रोसेस वहीं पर रुक जाए। यहाँ पर हमने सेवई को बॉईल करके ठंडे पानी में डालने के बाद स्ट्रेन करके रख लिया है। सेवई यहाँ पर पककर रेडी हो चुकी है। अब हम इसका चाउमीन बनाते हैं। चाउमीन बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। पैन में हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल के गर्म हो जाने पर इसमें हम 4 से 5 लहसुन की कलियां, जिन्हें हमने लंबा काट लिया है, और 1 इंच अदरक के टुकड़ा, जिसे भी हमने लंबा काट लिया है, वो डाल देंगे। इन्हें थोड़ा सा भून लीजिए। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है। कुछ सेकेंड अदरक लहसुन को भूनने के बाद इसमें हम 1 छोटी प्याज काट के डाल देंगे। प्याज भी हमें यहाँ पर स्लाइस करके डालना है। जैसे ही प्याज हल्की ब्राउन होगी, इसमें हम 1 शिमला मिर्च को लंबी काट कर डाल देंगे और साथ में 1 कप पत्ता गोभी डाल देंगे। इन्हें भी हम हाई फ्लेम में भून लेंगे। यहाँ पर हमें सब्जियों को कम्प्लीटली नहीं पकाना है, इन्हें हाफ कुक रखना है। जैसे ही सब्जियाँ हाफ कुक्ड हो जाएंगी, इसमें हम बॉईल की हुई सेवई डाल देंगे। इसमें हम 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक यहाँ पर थोड़ा कम डालिए क्योंकि सॉसेज में भी नमक होता है। यहाँ पर हम सोया सॉस का इस्तेमाल करेंगे, उसमें भी नमक होता है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे। 1 टेबल स्पून शेजवान चटनी डालेंगे। अगर आपके पास शेजवान चटनी नहीं है तो आप रेड चिली सॉस या ग्रीन चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस डालेंगे। अब इन्हें अच्छे से मिला दीजिए। गैस की फ्लेम को यहाँ पर हाई ही रखिएगा। अब इसमें हम लास्ट में 1 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर डालेंगे। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है। गैस की फ्लेम को हाई रखते हुए इसे अच्छे से एक बार मिला दें। बस हमें अगले 30 सेकेंड के लिए ही इसे पकाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सेवई चाउमीन बनकर कंप्लीट होता है। अगर आपके पास नूडल्स नहीं है या मैगी नहीं है तो एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। सेवई चाउमीन भी आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। We'll be right back.